पास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार मैंने वो जो लोन के लिए अप्लाई किया था ना, लोन अप्रूव हो गया है। आखिरकार तेरी मेहनत रंग लाई। पापा एक प्रॉब्लम है, बैंक वाले गारंटी मांग रहे हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं सोचा था अगर हम ये घर गिरवी रख ले तो। मेरे जीते जी ना तो ये घर गिरवी रखा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। अब किसी के सपने टूटते हैं तो बेशक टूटे। अब इस बंगले की जमीन पर बनेगा भवानी बिल्डर्स का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। राजेश्वरी, कैसी माँ हो तुम? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी एक मिडिल क्लास लड़के के साथ एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। जी मैं वो क्या ये सब? तुम जानती हो ना, मैंने अन्नू की शादी विशाल के साथ करने का फैसला कर लिया है। लेकिन अगर अनु की भी यही मर्जी है तो वो। बकवास बंद करो। अनु की मर्जी का क्या मतलब है? क्यों पूछूंगा मैं अनु की मर्जी? समझा देना उसे। आइंदा ऐसे सड़क के किनारे एक दो कौड़ी के लड़के के साथ खड़े होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। इस घर के और इस घर के तमाम लोगों के फैसले भवानी शंकर लेता है। भवानी शंकर ये फैसला कर चुका है कि अन्नू की शादी विशाल के साथ ही होगी। हाँ बोलो विशाल। अंकल हमें तो उस बंगले के मालिक ने ना कर दी। अंकल मुझे लगता है कि अब आपको खुद ही जाकर उनसे मिलना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। उस बंगले का पता है? अरे पूरे शहर में क्या एक यही प्रॉपर्टी बची है खरीदने के लिए? मैं एक बार नहीं हजार बार आपके लोगों को वापस कर चुका हूँ। मेरी प्रॉपर्टी है, अगर नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचना चाहता। क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपको मुंह कैसे नहीं बेचेंगे आप? क्या समझते हैं आप अपने आप को? अरे मैं एक मिनट तो पीछे हटो। मैं अपने आप को जो समझता हूँ वो समझता हूँ, लेकिन आप जैसे बेईमान लोगों को भी खूब जानता हूँ। जी हाँ,
सफेद पोशी और ईमानदारी का ठेका तो आपने ले रखा है। देख रहा हूँ सफेद पोशी, आपकी सफेद पोशी की सफेदी आपके बालों में साफ दिखाई दे रही है। और आप लोगों की भी तो वही फिलॉसफी है, राम राम जपना, पराया माल अपना। देखो आंखों में मक्कारी, देखो ये सूट बूट पहन के आंखों की मक्कारी नहीं चुप सकती। नहीं नहीं, कुर्ता पहन कर इंसान शरीफ लगता है ना। अरे है ना, क्या जो शरीफ है सो शरीफ लगते भी है। देखिए मेरे बाप तू शरीफ है, तू ही शरीफ है। जा जा। वैसे एक बात तो है, ओम प्रकाश तू बिल्कुल नहीं बदला, वही अकड़ वही रौबदाब। लेकिन तू बदल गया, बड़ा आदमी हो गया, बीएस बिल्डर, भवानी शंकर बिल्डर। हाँ। जिंदगी में 3-5 करना खूब सीख गया है। वेरी गुड। सीमेंट में रेती मिलाकर बिल्डिंग बनाने वाला। मालती बच्चों, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है भवानी शंकर। हम दोनों के बीच अक्सर यूं संस्कारों और मूल्यों की लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन अब जिंदगी में 3-5 करके बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कम से कम भाभी और बच्चों के सामने तो मेरी इज्जत रख। चल अंदर चल। लेकिन ये मकान नहीं बेचूंगा। अरे मत बेचना, चाय तो पिलाएगा कि नहीं, चल। हाँ तो भवानी शंकर साहब, ये है मेरा छोटा सा परिवार। मेरा बड़ा बेटा समीर ये नौकरी कर रहा है लेकिन अपनी खुद की फैक्ट्री डालना चाहता है। ये संजीव सपने देखता, सपने बड़े आदमी बनने के। अरे सबसे छोटा बेटा ये अभी कॉलेज में है, क्या करेगा वो पता नहीं। मेरी प्यारी सी बिटिया फाइनल ईयर का एग्जाम दे रही है, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो इसके हाथ पीले कर देंगे। और ये हमारा घर, हमारे पुरखों की प्यारी सी निशानी जो मैं बेचूंगा नहीं। हाँ भाई मत बेचना, लेकिन इसका पैसा बहुत महंगा। नहीं चाहिए, अपना पैसा तू अपने पास ही रख। अच्छा ये बता, तूने शादी वादी की या नहीं? हाँ बिल्कुल की। एक बीवी है, एक बेटा है जो बिजनेस में मेरा हाथ बटाता है, और एक बेटी है। भाई साहब अगली बार आप आएंगे तो भाभी और बच्चों को जरूर साथ लेकर आइएगा जी। लेकिन मकान खरीदने के लिए नहीं, दोस्ती की हैसियत से। एक रहिन चच्चू हमार, देख तलैया दिया कपड़ा उतार, कहा कहे हम बहुत शर्माए, पलट चच्चू हमका बुलाए। ओए बब्बू डोंट बी शाय, रहत गोरा फोटू उतार, चच्चू कावा विचार, लपके पहुंचे गर्दन घुसाए, हाथ हम बहुत चुलाए। ओए बब्बू डोंट बी शाय, कटक लड्डू का अंबार, चच्चू लिए लंबी डकार, गर्दन झुकाए आंख दबाए, बचवा थोड़ा और हो जाए। ओए बब्बू डोंट बी शाय, बैंड छेड़ी धुन मस्तानी, चच्चू आइन फुल कलर में जानी, पतली कमरन में कमरा हिलाए, चच्चू फिर दोहराए। ओए बब्बू डोंट बी शाय, भाई साहब इन्हें कॉन्डम देना। चच्चू HIV/AIDS से बचना हो तो डोंट बी शाय। ओए इंडिया डोंट बी शाय। हमारे पुरखों की प्यारी सी निशानी जो मैं बेचूंगा नहीं।
रोहित कहाँ हो बेटा? मुझे आके मिलो अभी। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी और मैं? हाँ रोहित, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। Come on, Dad, you know my lifestyle. आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर आप मुझे शादी के बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं? माय डियर सन, शादी बंधन उनके लिए है जो इसे बंधन मानते हैं। तुम इसे सिर्फ फायदे की डील समझो। उस लड़की के बाप की ही वो प्रॉपर्टी है जिस पर हम अपने सपनों की तामीर करना चाहते हैं। पर डैड, शादी? जानता हूं तुम्हें लगता है कि शादी करने से तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। बेटा, अगर पत्नी को अपना गुलाम बना लिया जाए तो आजादी छिनने का डर नहीं रहता है। तुम तो रोज अपने घर में देखते ही हो ना, तुम्हारी मां मेरी पत्नी है। बस पत्नी है, समझ रहे हो ना? पत्नी तो घर में सजावट की चीज होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी बेजुबान लोग जिंदगी में खलल नहीं डालते हैं। देखो रोहित, अगर हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। बेटा, आज भी इस देश में बेटियों के बाप अपनी पगड़ी बेटे वालों के पैरों पर रख देते हैं। बस एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए, फिर देखो वही होगा जो हम चाहेंगे। ठीक है दादा, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हेलो। हाँ ओपी, मैं भवानी बोल रहा हूँ। अरे भवानी, इस वक्त? अच्छा देख, अगर तूने घर बेचने के लिए फोन किया है तो मैं... नहीं नहीं भाई, तूने एक बार मना कर दिया तो मेरी दोबारा पूछने की हिम्मत कैसे पड़ सकती है? दरअसल मैंने फोन किसी और सिलसिले में किया था, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। अरे बोल ना, दोस्तों में कैसी हिचक यार? ओपी, आज मैं जब से तेरे घर से वापस आया हूं बस एक ही बात मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है। ओपी, अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो? दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल? यार देख, तू अपना ये 3-5 मेरे साथ मत कर, साफ साफ बोल क्या कहना चाहता है। देख, अगर तेरी बेटी साक्षी मेरे घर की बहू बन जाए, मतलब अगर साक्षी की शादी मेरे बेटे रोहित से हो जाए तो? क्या कहा तूने? तू मेरी साक्षी को अपने घर की बहू? ये तू क्या कह रहा है यार? देख, मैं तेरी हाँ या ना का इंतजार करूंगा बेसब्री से। अरे हाँ, मतलब हाँ, इससे अच्छा रिश्ता घर बैठे मेरे पास कहाँ से आएगा? अरे तूने इतनी बड़ी बात कर दी यार, मैं... बहुत बड़ी बात तो तूने कर दी ओपी, हाँ करके। हम कल आ रहे हैं तेरे घर, हाँ? इसी बहाने वो रोहित और साक्षी भी आपस में मिल लेंगे और हम भी अपनी होने वाली बहू का छोटा सा शगुन कर लेंगे, हाँ? अरे मेरे होने वाले संदीप जी, आप आइए, जरूर आइए, हमें आपका इंतजार रहेगा। अच्छा ओपी,
मेरा बेटा रोहित मेरी पसंद को ना नहीं करेगा, मैं जानता हूं। लेकिन तू साक्षी से जरूर पूछ लेना। हाँ देख यार, मैंने भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरी साक्षी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाए ऐसी परवरिश नहीं की है मैंने। तू चिंता मत कर, कल दो दोस्त के बीच एक नया रिश्ता बन जाएगा। तो ठीक है ओपी, कल मिलते हैं। मालती मालती, समीर। रेड येलो ग्रीन जो भी हो, नया सर्फ एक्सेल ब्लू, दाग निकाले रंग नहीं, आपके फेवरेट कलर को रखे फेवरेट। रेड को रेड रखने के लिए ब्लू, नया सर्फ एक्सेल ब्लू। ए छोटू, क्रिश बनेगा? मैं भी। अपने लाइफ बॉय दो। अब लाइफ बॉय के 5 रैपर्स के साथ एक असली क्रिश मास्क फ्री और क्रिश से मिलने का मौका। लाइफ बॉय, मैं भी क्रिश ऑफर। दिमाग और दिल दोनों से काम लेते हैं। तो हमारे बंगाल में तो लोग दिमाग दिल और पतियों से भी काम लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल, अगली व्हील स्मार्ट श्रीमती किस राज्य से होगी, ये तो सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। नया रिश्ता, खेल की नई शुरुआत। यूं समझो के वो बंगला हमारा हो गया। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि साक्षी के भाग इतनी जल्दी खुल जाएंगे। तुम्हारा ही सपना था ना कि कोई राजकुमार आएगा और तुम्हारी बेटी को डोली में बिठा कर ले जाएगा। तुम्हारा सपना सच होगा। बेटा, तुम्हारी बहन को देखने वो कल ही आ रहे हैं, छोटा सा शगुन भी करेंगे। ओ मेरी प्यारी बहनी, अब बनेगी दुल्हनिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जिंदगी सुख से गुजरेगी। हाँ, तुम्हें ये शादी करनी ही है। यार, you know my lifestyle। उस लड़की के बाप की ही वो प्रॉपर्टी है जिस पर हम अपने सपनों की तामीर करना चाहते हैं। अगर पत्नी को अपना गुलाम बना लिया जाए आजादी छीनने का डर नहीं रहता है। अगर हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। बेटा, आज भी इस देश में बेटियों के बाप अपनी पगड़ी बेटे वालों के पैरों पर रख लेते हैं। एक बार वो लड़की इस घर में आ जाए, बेटा इतनी परेशान क्यों? मम्मा पापा और रोहित भैया एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। रोहित भैया की शादी कराएंगे उस लड़की से, उसके माँ बाप को प्रेशर करेंगे और एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं। मम्मी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। धीरे बोलो बेटा, पापा सुन लेंगे। तो क्या होगा मम्मा? मम्मा आप ही सोचिए, एक मासूम लड़की अपने आंखों में कितने सपने लेकर आएगी, और जब उसके सपने टूटेंगे तो उसके शोर से इस घर की दीवारें गूंज उठेंगी और वो शोर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मम्मा कुछ करना होगा, आप कुछ कीजिए प्लीज। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूं? मेरी हालत तो इस घर में
सजी हुई दीवारों की तरह है जो सुन सकती है, जो सह सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। मैं क्या करूं? क्यों मम्मा, क्यों? आप भी एक बेटे की माँ हैं, आप मुझको बताइए, क्या आप मेरा रिश्ता ऐसे घर में करेंगी? क्या आप मेरी शादी रोहित भैया जैसे लड़के से कराएंगी जो शाइनी कनों के मिश्रण के साथ डबल आंवला की खूबियां जो बालों में गहराई से जमाकर पोषण दे, पर्ल जैसा कॉम्प्लेक्स जो दे बालों को चकमगाती शाइन। आपको मिले सिर्फ शाइन ही नहीं बल्कि आप पाएं सनसिल्क ब्लैक शाइन। क्या है कि ना, अब सिर्फ 2 रुपए में मिलती है बेहतरीन एरियल सफाई। रेशम तुम मेरी हो, लेकिन उस रिश्ते का क्या जो बरसों से आपके और आपकी बीवी के बीच में है? जोया, नहीं समीर, इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो, कुछ मोहलत दो और देखना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। What do you mean, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ राहुल। ये हवाएं हर बुधवार रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। प्रायोजक डाबर वाटिका एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ पेवार, बालों से प्यार पहली वॉश से। संस्कार, संस्कार। वाह, क्या बात है। अपने भाई की शादी को लेकर इतना खुश हो रही हो? नहीं बेटा, अनु तो क्यों मम्मी, बोलने दीजिए मुझे। भैया आप एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आंखों पर लालच की पट्टी बांधकर जो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो मैं कभी जुड़ने नहीं दूंगी। तुम डैड के फैसले के खिलाफ जाओगी। हाँ, समझाओ इसे। ये बात अगर डैड को पता चल गई तो क्या होगा? अगर बाप, प्लीज अनु, प्लीज चुम्मा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए आप। अनु, इस खुशी के मौके पर इतना गुस्सा। चलो मैं तुम्हें अपने बेटे की शगुन की तैयारियां भी तो करनी है, और हाँ, कल लड़की वालों के घर भी तो जाना है। चलो। मम्मा अपशगुन नहीं, अपशगुन करने जा रही हैं, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। चलो, दरवाजा खोलिए। भैया ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलिए। मम्मा,
सिंगार।